जोरदार कार्यक्रम रहा काफी संख्या में भाई, लेकिन उसी कार्यक्रम में आपके विधायक है गोपाल शर्मा, उन्होंने कहा कि हमारी तो चल ही नहीं रही है, अभी भी चल रही है रफीक खान की, अभी चल रही है प्रताप सिंह खाचरी आवास की, अगर ऐसा रहेगा तो 2037 तक पार्टी नेताओं को सलाह दी उनके कहने पे उनके सारे से काम नहीं, मतलब क्या वो हिसाब करेंगे आपके नेता उनकी मान रहे हैं और अधिकारी भी उनकी मान रहे हैं। वैसे इसमें एक एडिशन हो रहा है, जैसे फील्ड में भी हम लोग जाते हैं तो वहां पर भी कई कार्यकर्ता भी हैं, अभी रजनी विहार में आरएसएस और स्वयंसेवकों के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने भी बोला है कि हमारी सरकारें ऐसा लग नहीं रहा। देखिए सरकार सबको ध्यान में रख के काम करती है, सबके साथ कानून सम्मत व्यवहार करती है और किसी को कोई लगा है तो वो खुद अपनी बात को समझ के समझा करके बताए, कोई तकलीफ नहीं है, बता सकता है कोई, किसी को ऐसा लग भी सकता है, लेकिन गोपाल जी मैं सोचता हूँ कि गंभीर है, समझदार है, उनकी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी, कहीं ना कहीं कुछ कहने सुनने में कहीं छुपे रहा होगा, सबका सम्मान है। यदि हमारी पार्टी हमारी बात नहीं सुनेगी तो 2040 तक बीजेपी तो रहेगी लेकिन विचारधारा बीजेपी की खत्म हो जाएगी, ये शब्द उन्होंने यूज किया है। उन्होंने यदि कहा ना, यदि का तो आप समझ लो, यदि ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे क्या लग रहा है कि विधायक को इस तरह से बोलना लग रहा है? यदि वाला तो आप भी कह सकते हो, कोई नहीं कह सकता है। यदि कानून व्यवस्था का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो तो यदि वाला सब तो काल्पनिक सवाल है। वो 2047 यदि वाला उसका निकल है सर, मतलब खुद के नाम लिया है आपके सवालों के जवाब में दे रहा हूँ। सत्ता और संगठन में बिल्कुल सही तालमेल चल रहा है या कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये केवल गोपाल शर्मा का ही मामला नहीं, कई और अन्य मामले भी है जो सामने आ जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि दोनों में सम्मान में? मैं इसको आपके सामने स्पष्ट कर दूं, सत्ता और संगठन में पूरी तरह तालमेल है, लेकिन हमारे विधायकों की अपेक्षाएं होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जनता मांगेगी, जनता मांगेगी तो विधायक भी मांगेगा, विधायक भी मांगेगा, और उसमें यदि तत्काल नहीं होता है तो थोड़ा समय लगता है, तो विधायक भी धैर्य रखेगा, काम पूरा होगा, जो विधायक ने कह दिया वो भी होगा, पूरा होगा, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन काम होगा। सर 27 तारीख को पीएम साहब का दौरा प्रस्तावित है जयपुर का, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने एक पत्र लिखा मोदी जी को, आप यहाँ मत आइए क्योंकि आप जिस यमुना जल समझौते का शिलान्यास करने आ रहे हैं वहां पर आचार संहिता लग रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मैं इस विषय पर कपूर कल्पित सवाल है, काल्पनिक सवाल है, अभी उस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, कोई तय होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता। पीएम को आने से मना कर रहे हैं, लेटर लिख दिया, वो मना करे, सीएम खुद विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं, लेकिन सीएम पीएम सभी विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं। लेकिन अगर पीएम साहब आ जाते हैं तो यमुना जल का पानी मिलेगा उस एरिया को, उसमें विकास में, जब विकास की बात आती है तब तो सबको एकजुट होना चाहिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस में शायद भय है, वो सोचती है कि, और वैसे तो कांग्रेस के इस समय देखिए ना जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैं मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए दूसरी पार्टी के बारे में, लेकिन अपने आप उनके स्टेटमेंट्स में कमजोरी साबित हो रही है, वो सोचती है कि और कमजोर हो जाएंगे हम, लेकिन हम तो विकास के आधार पर और हमने जो अभी तक किया है उसके आधार पर हम चुनाव जीते हैं। 27 तारीख को पीएम साहब आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास में कोई इस प्रकार की अधिकृत सूचना नहीं है। कल कांग्रेस ने तय कर लिया कि इस बार अकेले चुनाव मैदान में लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, एक सीट पर आपका डिक्लेयर होना बाकी है, वो सीट आदिवासी इलाके की है, जो आपके लिए सॉफ्ट भी है क्योंकि आपकी पार्टी आदिवासी इलाके में काफी काम करती है, तो क्या उस पार्टी को समर्थन देना या समर्थन लेना, इस तरह का कोई प्रपोजल है आपके पास? हमारे पास राजकुमार हम अपने बलबूते पर, भारतीय जनता पार्टी किसी से समझौता नहीं कर रही है, कोई सहयोग देना चाहे तो स्वागत है। 84 में क्या पार्टी को कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा, यही कारण है कि दिल्ली टिकट को लेकर? ऐसा नहीं है, ज्यादा है, उनमें से एक चुनना है। देरी क्यों हो रही है? ये मेरा सवाल, 6 सीटों पर डिक्लेयर हो चुके हैं, जहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं है वहां पर डिक्लेयर हो रहे हैं। हमारी तो एक ही है ना जिसपे निर्णय करना है, कांग्रेस को तो अभी सातों पर निर्णय करना है,
वो हमसे क्या सवाल करेंगे, हम तो कर लेंगे, हमारी तैयारी है, एक दो दिन में वो आजकल में वो भी हो जाए। कांग्रेस की डिक्लेयर नहीं हो रही, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या वो आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, या क्या लग रहा है, क्योंकि आप बताओ विपक्ष दूसरी पार्टी के साथ क्या देखते हैं? क्योंकि घर की चिंता मुझे नहीं करनी, मुझे अपने घर संभालना है। बड़ा बयान तुलसी डोटासरा ने दिया है कि सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, 40 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो गया है और एक धीरे का एमयू नहीं आया। आज भी हो रहा है 3 लाख का जयपुर में, 3 लाख करोड़ का, 3 लाख नहीं 3 लाख करोड़ का आज एमयू होने वाला है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, पहले 4.5 लाख का महाराष्ट्र से लेके आए, फिर जापान और वहां से लेके आए, अभी वहां से भी इंग्लैंड और वहां से जर्मनी से लेके आए। ये तो खुश होना चाहिए कांग्रेस को, इसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। वो क्या सोचते हैं कि वो नहीं कर पाए इसलिए हम भी नहीं कर पाएंगे? वो तो इसलिए नहीं कर पाए कि उनकी सरकार चली कहाँ है, कभी होटलों में चली, कभी टांग खींचे में लगे रहे, कभी सरकार बचाने की जुगत में लगे रहे, जनहित के काम नहीं किए इसलिए। और दूसरी बात और भी है कि कोई भी अपने घाटे पसीने का पैसा तभी लगाता है जब उसको विश्वास हो कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो अपने वादे पर सरकार कायम रहेगी। जब उनको लगता है सरकार स्थिर नहीं है तो क्यों कोई पैसा लगाए? जब यहाँ मोदी जी भी सहयोग कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार भी तत्पर है, तो निवेश यहाँ आएगा, धरातल पर उतरेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ेगी, संपन्नता आएगी, आम आदमी का जीवन स्तर मजबूत होगा, ये सब काम होने वाले हैं। और यहाँ हम उद्योग को प्रोत्साहित देने के लिए सभी तैयार हैं, काम होगा।